बीए थर्ड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है शीत युद्ध। शीत युद्ध जो है स्टूडेंट्स, हमने इसका जाना कि शीत युद्ध विचारधारा का युद्ध है। एक तरफ पश्चिमी, एक तरफ पूर्वी। हमने ये किया था, यहाँ पे पश्चिमी और यहाँ पे पूर्वी यूरोप, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के मध्य की, यूरोप नहीं, विचारधारा का अंतर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम ये कहेंगे, यहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा थी और पूर्वी जगह पे साम्यवादी विचारधारा थी। एक तरफ यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका था, एक तरफ यूएसएसआर था। यूएसएसआर सोवियत गणराज्य, सोवियत समाजवादी गणराज्य, यूएसएसआर सोवियत समाजवादी गणराज्य था। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि शीत युद्ध जो है वास्तविक युद्ध नहीं है, युद्ध की संभावना है, ये हमने कर लिया था स्टूडेंट्स। अब हम उसके आगे का करेंगे, हम ये जानेंगे कि यूएसएसआर और यूएसए में कौन कौन से राष्ट्रपति हुए थे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि शीत युद्ध के अंदर देखिए एक लंबा पीरियड था, 1945 से लेके यूएसएसआर के विघटन तक एक लंबे समय, अर्थात 45 वर्षों तक ये चला। 45 वर्षों के बीच में कौन कौन से राष्ट्रपति अमेरिका में आए, यूएसए में आए और कौन कौन से राष्ट्रपति इधर आए, तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से राष्ट्रपति यहाँ थे और कौन कौन से राष्ट्रपति यहाँ थे। देखिए यूएसएसआर में थोड़े से हैं, वो जल्दी याद हो जाएंगे, और यूएसए में थोड़े ज़्यादा हैं, वो तुम्हें किसी ट्रिक से याद करने होंगे। तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ स्टूडेंट कि यूएसए और यूएसएसआर में एक विचारधारा का मतभेद था। तो यहाँ पे यूएसएसआर में सोवियत समाजवादी गणराज्य में साम्यवादी विचारधारा प्रचलित थी, जो यहाँ के यूएसए के राष्ट्रपति पसंद नहीं करते थे। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे साम्यवादी यानी इक्वलिटी, तो साम्यवादी के जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसमें जो सबसे पहले नेता थे वो थे लेनिन। मैं लिखती हूँ, लेनिन जो थे सबसे पहले नेता थे, लेनिन पहले जो नेता थे वो थे लेनिन, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट माने साम्यवादी, पार्टी के संस्थापक थे, ये संस्थापक थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन्होंने ही 1917 की रूस की क्रांति, 1917 की रूस की क्रांति, देखिए 1917 से पहले रूस था और 1917 से 24 तक ये यूएसएसआर सोवियत समाजवादी गणराज्य, यूएसएसआर से पहले रूस था। ठीक है, तो 1917 की जो रूस की क्रांति थी, उस रूस की क्रांति के नायक थे, के नायक थे ये। यहाँ तक हो गया कि यहाँ पे अब पूरी दुनिया को, पूरी की पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को जो बताने वाले थे, पूरी दुनिया को साम्यवाद के बारे में बताया वो थे यूएसएसआर के लेनिन। तो यहाँ पे पूरी दुनिया को साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत, साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत जो थे वो ये थे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा और क्या थे, ये 1917 से लेके 24 तक जो यूएसएसआर है, यानी कि सोवियत गणराज्य, सोवियत समाजवादी गणराज्य, समाजवादी गणराज्य, सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक थे, के संस्थापक अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, ये हमारे यूएसएसआर के
पहले राष्ट्रपति, इनके बारे में हमने ये देखा ये बोल्शेविक क्रांति के ठीक है संस्थापक थे, 1917 की रूस की क्रांति के संस्थापक थे, और इसके साथ साथ में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे, और ये सोवियत समाजवादी गणराज्य के भी संस्थापक अध्यक्ष थे। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि पहले जो यूएसएसआर के कौन से हैं पहले राष्ट्रपति, लेनिन, ठीक है। उसके बाद में आते हैं लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन, लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन आते हैं। स्टालिन वो रहे थे 24 से लेके 53 तक, ठीक है, ये 1953 तक रहे। अब देखिए ये 53 तक रहे, इसका अर्थ क्या है, सेकंड वर्ल्ड वार, हाँ, 1939 से लेके 45, ठीक है, 1939 से लेके जो 45 सेकंड वर्ल्ड वार थे वो किसके समय में हुआ, स्टालिन के समय में हुआ, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार स्टालिन के समय में हुआ, ये लेनिन के उत्तराधिकारी थे, स्टालिन थे। इसके बाद में आते हैं निकिता ख्रुश्चेव, इसके बाद में तीसरे जो नेता आते हैं निकिता ख्रुश्चेव, ठीक है स्टूडेंट। निकिता ख्रुश्चेव है जो, वो 10 वर्षों तक रहते हैं, यहाँ पे ये 53 तक रहते हैं, 53 से 64 तक निकिता ख्रुश्चेव रहते हैं। निकिता ख्रुश्चेव है वो स्टालिन के आलोचक थे, निकिता लेनिन स्टालिन निकिता ख्रुश्चेव, निकिता ख्रुश्चेव स्टालिन के आलोचक थे, निकिता ख्रुश्चेव आलोचक थे, और इन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई। निकिता ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाया निकिता ख्रुश्चेव ने। स्टूडेंट हम बहुत अच्छे से शीत युद्ध करेंगे। देखिए शीत युद्ध की पृष्ठभूमि हमने अपने पहले के लेक्चर्स में पढ़ ली है। देखिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे फाइनल ईयर के लिए शीत युद्ध इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जीके के दृष्टि से यदि नज़रिए से देखें तो शीत युद्ध बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिन स्टूडेंट्स के पास में हिस्ट्री है वो तो कर लेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लेनिन स्टालिन ख्रुश्चेव ये नाम भी नहीं सुने हैं, तो मैं इस वजह से ये करवा रही हूँ क्योंकि आगे 45 वर्षों का सफ़र अपने को तय करना है। यूएसएसआर का विघटन हो जाता है 1991 से, तब तक का सफ़र अपने को करना है, तो इसके लिए हमें आना चाहिए कि यूएसएसआर के कौन कौन से ऐसे नेता रहे थे। तो पहले हमने लेनिन पढ़े जो कि 1917 की रूस की क्रांति के संस्थापक थे, नायक थे, और यहाँ पे साम्यवाद पूरी दुनिया में बताने वाले ऐसे ही व्यक्ति थे लेनिन, और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और उसके बाद में यूएसएसआर सोवियत गणराज्य जो है सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक भी लेनिन थे। उसके उत्तराधिकारी के रूप में स्टालिन आए, स्टालिन के समय में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, और उसके बाद में निकिता ख्रुश्चेव आए, लेकिन निकिता ख्रुश्चेव ने स्टालिन की बातों को नहीं माना। निकिता ख्रुश्चेव स्टालिन के आलोचक थे और इन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाया। उसके बाद में आता है ब्रेजनेव चौथे नेता थे, ब्रेजनेव देखिए ये 10 वर्षों तक लगभग रहे, तो 64 में ये आए थे, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेजनेव आ गए थे। ब्रेजनेव का कोई विशेष योगदान नहीं था, लेकिन उसके बाद वाले नेता का विशेष योगदान है। कैसे स्टूडेंट्स, उसके बाद आए थे गोर्बाचोव, रूस के ऐसे राष्ट्रपति थे गोर्बाचोव। अब ये जो गोर्बाचोव थे ये पूर्वी जो यूरोप है, हमने बताया था कि पूर्वी यूरोप
यहाँ पे पश्चिमी, यहाँ पे पूर्वी। तो पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने वाले जो नेता थे वो थे गोर्बाचोव। पूर्वी यूरोप से सेना वापस बुलाई और इन्होंने जो 61 में जर्मनी के बर्लिन में दीवार खड़ी हुई थी उस जर्मनी के बर्लिन की दीवार को ख़त्म कर दिया था। अर्थात जर्मनी का एकीकरण भी इनके समय में हुआ था। और लेकिन इन पे यूएसएसआर के विघटन का भी आरोप लगा था। ये थे गोर्बाचोव। और गोर्बाचोव की जो नीतियाँ हैं वो तुम पढ़ भी चुकी हो, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका व ग्लासनोस्ट की नीतियां अपनाने वाले नेता थे गोर्बाचोव। खुलेपन की नीति अर्थात साम्यवाद बंद विचारधारा नहीं, खुले विचारधारा को अपनाने वाले नेता थे गोर्बाचोव। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था, गोर्बाचोव के समय में यूएसएसआर का विघटन हो गया था। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और विघटन होने के बाद में एक ध्रुवीय विश्व का उदय हो गया, वो था यूएसए। एक ध्रुव रह गया, वो था एक ध्रुव था यूएसए। और यहाँ पे शीत युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि शीत युद्ध दो विचारधाराओं के मध्य होता था, एक यूएसए एक यूएसएसआर। लेकिन जब यूएसएसआर ख़त्म ही हो गया तो एक ध्रुव विश्व बच गया था, वो था यूएसए। गोर्बाचोव के समय में यूएसएसआर का विघटन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में यूएसएसआर का विघटन हो गया और यूएसएसआर का जो प्रतिनिधित्व करने वाला देश था वो था रूस। रूस और प्रथम जो रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे वो तो यलत्सिन। अब जो इसके बाद के हैं वो है यलत्सिन। हालांकि देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो शीत युद्ध पढ़ना है और यूएसएसआर का विघटन हो गया और शीत युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन मैंने वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए बताया था रूस के जो राष्ट्रपति प्रथम थे वो थे यलत्सिन। ये आज हमने अभी किया है यूएसएसआर के नेता। तो क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये पढ़ेंगे कि क्यूबा संकट आया, तो क्यूबा संकट में कौन था, क्रुश्चेव था, क्यूबा कहाँ था, ये सारी की सारी बातें हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे हमें जब यहाँ के राष्ट्रपति, यूएसएसआर के राष्ट्रपति और यूएसए के राष्ट्रपति दोनों का जो मालूम होगा तो हम कह सकेंगे यहाँ पे क्रुश्चेव थे, वहाँ पे कैनेडी थे, क्यूबा में मिसाइल डाला था, ये था क्यूबा संकट। तो तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि इन राष्ट्रपतियों को पढ़ लिया जाए। देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान है। लेनिन थे, स्टालिन थे, स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी थे। उसके बाद में क्रुश्चेव थे जो कि स्टालिन के आलोचक थे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को देने वाले थे। और उसके बाद में हमने देखा था ब्रेजनेव थे जिसका कोई विशेष योगदान नहीं था। उसके बाद गोर्बाचोव थे, गोर्बाचोव ने तो सारा यूएसएसआर को ही ख़त्म कर दिया, आरोप है उन पे। और उसके बाद में आए थे रूस के यलत्सिन। देखिए ये याद हो जाना चाहिए। अब हम करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति करने के लिए हम ये देखेंगे, सबसे पहले जब हमने यूएनओ किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने किया था रूजवेल्ट थे। लेकिन मैंने जब तुम्हें बताया था 1919 की पेरिस संधि हुई थी तो विल्सन थे। लेकिन मैंने तुम्हें यह बताया था अटलांटिक चार्टर पे रूजवेल्ट थे। अटलांटिक चार्टर 1941 में हुआ था, वहाँ पे रूजवेल्ट थे, हमने कर लिया था, ठीक है। मैंने एक नोट डाल के बात संयुक्त राष्ट्र संघ में मैंने बताई थी, वो ये बात थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जब 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी उस समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट नहीं थे बल्कि ट्रूमैन थे। तो स्टूडेंट्स अब अपन करते हैं यूएसए के राष्ट्रपति। यूएसए के राष्ट्रपति दो तो तुम्हारे सामने आ गए हैं क्योंकि अपन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कर लिया था। पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे रूजवेल्ट। देखिए यूएसए के पहले राष्ट्रपति ये नहीं थे,
देखिए वाशी, हमने पहले कर लिया था, इससे पहले हमने अब्राहम लिंकन को वाशी हमने कर लिए, लेकिन जो शीत युद्ध से संबंधित राष्ट्रपति हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे रूजवेल्ट जो थे पहले थे जिन्होंने यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास किए थे, लेकिन 24 अक्टूबर को दूसरे भी हमने पढ़ लिए थे, वो थे ट्रूमैन, है ना। हमने किए थे कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स आइजनहावर थे, उसके बाद के जो राष्ट्रपति थे वो थे आइजनहावर। ठीक है, एक बार के लिए तुम्हें याद करना होगा तो मैं तुम्हें वैसे बता देती हूँ RTI, ये एक ट्रिक है, ओनली मात्र ट्रिक है ये। यहाँ पे RTI यानी रूजवेल्ट, ट्रूमैन और आइजनहावर। आइजनहावर के बाद में आए थे कैनेडी, आइजनहावर के बाद में आए थे कैनेडी। ठीक है, आइजनहावर, देखिए क्यूबा मिसाइल संकट था तो इधर तो क्रुश्चेव थे और इधर यूएसए में कैनेडी थे। कैनेडी देखिए आए इसके आइजनहावर के बाद में, आइजनहावर के बाद में कैनेडी हमने पढ़ लिया, और कैनेडी के बाद में देखिए जॉनसन आए, कैनेडी के बाद में जॉनसन। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं ट्रिक की ही मात्र, देखिए कैसे याद करवाऊँ मैं तुम्हें, बार बार पढ़ने से अपने आप याद हो जाता है, लेकिन एक मात्र ट्रिक से मैं तुम्हें बताऊँ। आर रूजवेल्ट, टी से ट्रूमैन, आज इसे अभी देखिए आइजनहावर को, कैनेडी को, RTI को जान, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, अपना देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन को जान। तो ऐसे करने से तुम्हें स्टूडेंट्स पांच राष्ट्रपति याद हो जाते हैं, आइजनहावर, आइजनहावर के एक बाद कैनेडी, कैनेडी के बाद में जॉनसन, आइजनहावर को जॉन। अब फिर आता है निक्सन आता है, फिर फोर्ड आता है, फिर कार्टर आता है। देखिए निक्सन, रिचर्ड निक्सन, निक्सन, ठीक है, रिचर्ड निक्सन के बाद में जेराल्ड फोर्ड आता है और जिम्मी कार्टर आता है, फोर्ड आता है फिर जिम्मी कार्टर आता है। तो इसको करने के लिए कुछ ट्रिक बनानी होगी स्टूडेंट्स, मैं समझ रही हूँ तुम्हें अच्छे से याद हो जाए, लेकिन अभी इसकी कोई ट्रिक तुम्हारे भी दिमाग में आती है तो मुझे भी बताना, मुझे जैसी समझ में आती है मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखिए RTI को जान, नहीं तो नहीं, नी 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 से निक्सन, फूटरो ऐसे करते हैं अपन, फू इसका ट, रोनाल्ड रीगन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या है, फूटरो करने से तुम्हें याद हो जाएगा, फू से हमें फोर्ड याद रखना है, ट से हमें कार्टर याद रखना है, रो से हमें रोनाल्ड रीगन याद रखना है, हमें थोड़ी सी ट्रिक के मार्फत हमें याद रखना है। फिर उसके बाद में जॉर्ज सीनियर आते हैं, जॉर्ज बुश सीनियर आते हैं, जॉर्ज बुश सीनियर के बाद में क्लिंटन आते हैं, जॉर्ज बुश सीनियर आते हैं और उसके बाद में क्लिंटन आते हैं और क्लिंटन के बाद में देखिए स्टूडेंट्स बुश आते हैं, जूनियर वाकर बुश है इनका पूरा नाम, वाकर बुश, ये भी बुश हैं लेकिन ये सीनियर हैं, ये भी बुश हैं लेकिन ये जूनियर है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जॉर्ज वाकर बुश आए थे, फिर तो आप जानते ही हैं जॉर्ज वाकर बुश के बाद में आप जानते ही हैं बराक ओबामा आए थे, बराक ओबामा के बाद के भी आप जानते ही हैं स्टूडेंट, ये तो आपकी ही सदी के हैं, बराक ओबामा के बाद में आप सब बोल रहे हैं, मैं सुन पा रही हूँ, ट्रंप आए थे, बराक ओबामा के बाद में ट्रंप आए थे। हालांकि हमें इन्हें नहीं पढ़ना है, क्यों,
क्योंकि इससे पहले ही शीत युद्ध ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जॉर्ज बुश है उनके समय से ही यहाँ पे ये युद्ध तो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये 93 तक रहते हैं। यहाँ पे युद्ध ख़त्म तो हो ही जाता है, लेकिन मैंने वैसे ही तुम्हें बताया है कि बराक ओबामा आए थे और ट्रंप आए थे। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है अपने जो अपना सीनियर ये रहे थे 93 तक। यहाँ पे बुश तो थे, लेकिन एक बार फिर से मैं अपनी गलती को रिपीट करती हूँ, गलती को सुधार के बताती हूँ। जॉर्ज बुश सीनियर जो है वो 93 तक रहे थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ना है, यहाँ तक हमने पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद के तो वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए हैं। जॉर्ज बुश सीनियर 1993 तक रहे थे और 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। प्रश्न ये पूछा जाता है, यूएसएसआर के विघटन के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज बुश सीनियर थे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यूएसएसआर के विघटन के समय यहाँ के यूएसएसआर के राष्ट्रपति गॉर्बाचोव थे। यह सारे के सारे अपन ने राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आरटीआई को समझ में आ जाएगा, आरटीआई को जान, को जान। और फिर नई फूटरो फूटरो फोर्ड कार्टर रोनाल्ड रीगन, और फिर उसके बाद में नी फूटरो सीनियर, यहीं तक हमने पढ़ना है। और फिर इसके बाद में हम अब शीत युद्ध शुरू करेंगे, एक लंबा सफ़र शुरू करेंगे।